प्रिय दर्शकों, जब भी आप और हम सरकारी विद्यालय की बात करते हैं तो हमारे मन में एक ही विचार आता है कि गरीब विद्यार्थियों का विद्यालय जहां अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं की जाती, केवल गरीब छात्र ही मजबूर होकर यहां शिक्षा ग्रहण करते हैं। परंतु आपका यह विचार बिल्कुल गलत है। लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपका यह विचार पूरी तरह से बदल जाएगा और आप मन ही मन विचार करेंगे कि आपका बच्चा ऐसे ही सरकारी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करे। इसी विषय को जारी रखते हुए हम आपको ले चलते हैं हरियाणा सरकार एवं मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर के ड्रीम प्रोजेक्ट मॉडल संस्कृति विद्यालय में। इसी ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा सरकार ने खंड स्तर पर मॉडल संस्कृति विद्यालयों की स्थापना की है। हमारा विद्यालय राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सीवन भी इसी ड्रीम प्रोजेक्ट के अनुसार स्थापित किया गया है। हमारा विद्यालय माँ सीता की पावन धरती गांव सीवन, जिला कैथल, हरियाणा में स्थित है। आप सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, हमारे विद्यालय के विद्यार्थी अपने दिन की शुरुआत प्रातःकालीन सभा में प्रभु सिमरन, मास पीटी एक्सरसाइज, राष्ट्रीय गान व महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान प्रदान से करते हैं। हमारे विद्यालय में नैतिक मूल्यों पर भी मुख्यतः बल दिया जाता है। चलिए अब हम मिलते हैं हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री सुदर्शन शर्मा जी से। इन्हें हरियाणा सरकार द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आई सुदर्शन शर्मा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीवन, वांट टू प्रेजेंट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द स्कूल। एस्टेब्लिश्ड बिफोर इंडिपेंडेंस, नाउ एफिलिएटेड विद CBSE, इंग्लिश मीडियम विद ऑल स्ट्रीम्स, फुली वाईफाई कैंपस, having digital labs, digital boards, the only model Sanskriti school having NCC senior division and NCC as subject also, well qualified and experienced staff with assurance of all round development of students। विद्यालय की इमारत व आधारभूत ढांचा आधुनिक युग की महत्वपूर्ण सुविधाओं का प्रत्यक्ष प्रमाण है। विद्यालय का वातावरण साफ सुथरा व हरियाली से भरपूर है। हमारा विद्यालय मुख्यमंत्री सौंदर्यकरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आइए अब हम देखते हैं कि हमारे विद्यालय के विद्यार्थी कैसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। आप देखेंगे कि कैसे हमारा विद्यालय अपने आप को दूसरे विद्यालयों से बेहतर होने का दावा पेश कर रहा है। इसके साथ साथ हम आपको रूबरू करवाएंगे कुछ ऐसे पूर्व छात्रों से जिन्होंने अपना बचपन इसी विद्यालय में व्यतीत किया और यहाँ मूल्यवान शिक्षा ग्रहण की। आज यह सभी छात्र न्यायिक, मेडिकल, इंजीनियरिंग और प्रशासनिक सेवाओं जैसे उच्च पदों पर तैनात हैं। चलिए सुनते हैं इनका अनुभव इन्हीं की जुबान से। मेरा नाम अशोक मुंजाल है। मैं इस समय HCS कैडर हरियाणा में GM रोडवेज कुरुक्षेत्रा के पद पर हूँ। मैंने अपनी जो शिक्षा है 1995-96 में 10वीं की परीक्षा जो है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सीवन से दी, और जो कि बहुत ही अच्छा विद्यालय है। यहाँ के जो प्रधानाचार्य इस समय वर्तमान प्रधानाचार्य श्री सुदर्शन शर्मा जी हैं, वो हमें उस समय अंग्रेजी की एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ाते थे और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। और मैं सभी सीवन वासियों से तथा आसपास के गांवों के लोगों के वासियों से भी अपील करता हूं कि अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आप अपने बच्चों का दाखिला राजकीय मॉडल सीवन संस्कृति स्कूल में करवाएं, ताकि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और देश के अच्छे नागरिक बन सकें। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं हमारे विद्यालय के कुछ विद्यार्थियों से, जो स्वयं के बारे में और विद्यालय के बारे में हमें बताएंगे। Hi, my name is Muskan. मेरा नाम राहुल है। Myself Bhinda Kaur. Myself Sukirti. मेरा नाम आकाश है। मेरा नाम जयंत है। आपके पास क्या क्या विषय है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, BCA, कंप्यूटर साइंस। मुझे स्कूल बहुत अच्छा लगता है। एनवायरमेंट,
and everything is amazing and brilliant. मैंने स्कूल में एनसीसी लिया. मुझे कपिल सर, अंकित सर और सुषमा मैम और जितेंद्र सर बहुत अच्छे लगते हैं. हमारे विद्यालय में समावेशी शिक्षा के तहत विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए उत्तम व्यवस्था की गई है. खंड स्तरीय IED रिसोर्स सेंटर के माध्यम से विकलांग विद्यार्थियों को मूल्यवान शिक्षा दी जाती है और समय समय पर मनोरंजन की व्यवस्था भी की गई है. हमारा विद्यालय देशभक्ति व राष्ट्र निर्माण के कार्यों में भी अग्रणी रहता है. राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की आर्मी विंग द्वारा कैडेट्स की ट्रेनिंग की व्यवस्था भी विद्यालय परिसर में की गई है. इस संगठन द्वारा हमारे कैडेट्स A और B सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, जिसके माध्यम से भारतीय सेना व अन्य नौकरियों में उनका चयन किया जाता है. हमारा विद्यालय हरियाणा का एकमात्र ऐसा मॉडल संस्कृति विद्यालय है जहां NCC की सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन की आर्मी विंग मौजूद है. हमारे विद्यालय में NCC को ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है. हमारे विद्यालय के विद्यार्थी शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों जैसे भारत स्काउट एंड गाइड, नाटक, गायन, सुलेख प्रतियोगिताओं व अन्य कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं. हमारे विद्यालय का खेल कूद का रिकॉर्ड भी बहुत शानदार रहा है. समय समय पर विद्यालय के खिलाड़ियों ने प्रांतीय व राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भाग लेकर हमें गर्व महसूस करवाया है. हमारे विद्यार्थी और विद्यालय दोनों अपनी उपलब्धियों के कारण समय समय पर दैनिक समाचार पत्रों में भी छाए रहते हैं. इसकी एक झलक इस प्रकार है. इन्हीं सभी सुविधाओं के कारण हमारा विद्यालय अन्य विद्यालयों से अलग है. यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जाता है. आगामी शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए दाखिले हेतु आवेदन 1 अप्रैल से प्रारंभ कर दिए जाएंगे. हमारी टीम इस दाखिले की प्रक्रिया को प्रवेश उत्सव के रूप में बड़े हर्षोल्लास से मना रही है. आप कभी भी हमारे विद्यालय में आकर अपने बच्चे का दाखिला सुनिश्चित करवा सकते हैं और निजी विद्यालयों की भारी भरकम फीस से छुटकारा पाकर बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करवा सकते हैं. अंत में हम आपको विश्वास दिलवा सकते हैं कि इस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने के बाद आपका बच्चा इस देश का एक अच्छा नागरिक जरूर बनेगा. मेरा NDA का एग्जाम क्लियर हुआ है. मैं CA बनना चाहता हूँ. मैं आगे बढ़कर आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ. My dream is to become a doctor. जय हिंद, जय भारत.